हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का CPP 5। क्लियर, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमने ऑलमोस्ट हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। और जो भी अब टाइप बचे थे उसको इस लेक्चर में कम्प्लीट करके अब हम एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्लियर, सब बच्चों को आया समझ में, ठीक है ना। और इससे JEE में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे देखेंगे, एक आध लेक्चर आपके लिए लाएंगे। क्लियर, और उसमें कवर अप करेंगे, ठीक है ना। GPP सेशन, एक GPP देख लेंगे, उसमें इम्पॉर्टेंट JEE के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। इफ़ इन अ ट्राइंगल ABC द साइड C एंड द एंगल स्मॉल c, ठीक है ना। यहाँ पर स्मॉल c कर लीजिए क्योंकि साइड कैपिटल C होगा और स्मॉल c रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर चेंज स्लाइटली यूजिंग डिफरेंशिएशन सो दैट, ठीक है ना। हमें AA क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर, DA अपॉन cos A प्लस DB अपॉन cos B इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो क्वेश्चन को समझ लिया हो तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अभी आपको थोड़ा क्वेश्चन को लैंग्वेज से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये क्या है, ट्राइंगल है ABC। क्लियर, अब बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आपको सभी को पता है कि ए एंगल ए है, इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल ए बोलते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। क्लियर, वो बोल रहा है कि हम जैसे ही इसके एंगल ए एंड बी में चेंजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एंगल सी एंड साइड स्मॉल सी, ठीक है ना, हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बताइए, अगर ये दोनों हमारे कांस्टेंट होते हैं, देन अब बताइए इनका जो रेशियो होगा वो भी हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। इतना सब बच्चे सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर मान लीजिए ए भी कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, तो उनका रेशियो भी हमारा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो अब हमें पता है, एक हमने रूल पढ़ा है वाय साइन रूल, ठीक है ना। साइन रूल सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी, ठीक है ना। लेकिन हमने यही क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, के इक्वल हमने मान लिया। तो यहां से अगर बात करें तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के आ जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया, के साइन है। क्लियर, एंड अगर बात करें यहाँ से तो बी अपॉन साइन भी आपका क्या आ जाएगा, ए भी के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू आ गया के इंटू साइन बी। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, तो ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर दें ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ए अपॉन ए, यहाँ से क्या होगा, के कांस्टेंट है और साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए होगा। सिमिलरली यहाँ पे कीजिए तो डी बी अपॉन डी बी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, के कॉस बी हो जाएगा। क्लियर, ए आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ से आप वैल्यू किसकी फाइंड करें, डी ए अपॉन कॉस ए का, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इंटू डी ए आ जाएगा, और यहाँ से डी बी अपॉन कॉस बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इंटू डी बी आ जाएगा, ठीक है ना। एक आपका ए वैल्यू मिला, ए आपका ए वैल्यू मिला, ठीक है। तो अब हमें क्या कराना है, इन दोनों को एडिशन कराना है, इन दोनों वैल्यू का क्या कराना है, एडिशन कराना है, करा देते हैं। इसलिए डी ए अपॉन कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी हमारा किसके इक्वल होगा, के डी ए प्लस के डी बी, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, के डी ए प्लस के डी बी, ठीक है। तो के तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन। तो यहाँ पे क्या मिला, डी ए प्लस डी बी, ठीक है, डेरिवेटिव है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए प्लस बी, सेपरेट होगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। इतना चीज सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्या मिल गया है, यहाँ तक हमें मिल गया है डी स्मॉल ए अपॉन कॉस ए प्लस
डी स्मॉल बी अपॉन कॉस कैपिटल बी इज इक्वल टू हमें मिल गया है के डी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ए मिल गया है। तो अब हम सभी को पता है कि इन अ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से डी ए अपॉन कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू के डी पाई माइनस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए पाई हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है, और सी भी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से जो पाई माइनस सी है वो भी हमारा क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से डी ए अपॉन कॉस ए प्लस डी बी अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, क्लियर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन आया, समझ में आया, क्या था क्वेश्चन में गिवन था कि अगर हम किसी ट्राइंगल ए बी सी में और साइड को चेंज करते हैं, जिससे आपका क्या होता है, एक साइड सी और उसका उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या है सी, वो दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं, तब आपको ये कंडीशन क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है, जैसा कि हमने इसको प्रूव भी कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सारे बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी बुक में, आप चेकआउट करा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.48 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या सी का वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 48 अपॉन 100, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट में 48 अपॉन 10, क्लियर। तो एग्जैक्टली हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू अंडर रूट 48 का, ओके। और इसका वैल्यू अगर आ गया ना, इसका वैल्यू आ गया तो इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा, क्लियर। तो अब बताइए फंक्शन हमारा किस टाइप का है, fx हमारा है रूट एक्स टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे x किसको माने, ठीक है ना, जिसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 49, लेकिन हमें x प्लस डेल x तो क्या गिवन है 48, तो यहाँ से 49 प्लस डेल x बराबर क्या हो जाएगा 48, तो डेल x का वैल्यू माइनस के बन आ गया, क्लियर, डेल x का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल y का वैल्यू, देखो उससे पहले y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको y ही फंक्शन y है ना, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, अंडर रूट में x का वैल्यू क्या टेक किया था हमने 49, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 7, क्लियर। अब डेल y का वैल्यू के लिए हमें डेरिवेटिव कराना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx, डेल अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है आप सभी को पता है, 1/2 रूट x, ठीक है। और x का वैल्यू हमें पता है क्या है, x का वैल्यू है हमारे पास 49, तो रूट 49 आपका 7 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 1/14 आ गया डेल y अपॉन डेल x, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या, डेल y, ठीक है, डेल y क्या होता है हमारा, dy अपॉन dx इंटू डेल x, क्लियर। तो dy अपॉन dx आपका है 1/14 इंटू डेल x का मान माइनस के बन है, तो यहाँ से माइनस के बन अपॉन 14 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या कराना है, 14 को 1 में डिवाइडेशन कराना है, तो एक आपका 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है ना। तो आपका 40 कितने टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, आपका आई थिंक 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स नहीं, आप 8 टाइम्स जाएगा, आप देख के देख लेना, ठीक है ना, 8 टाइम में 2 और यहाँ पर 3 और 1, नहीं ये तो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 8 टाइम्स नहीं, 7 टाइम्स में देखे देखें आप, ठीक है, 7 टाइम्स, तो कितना 8 आएगा, और ठीक है हाँ 7 टाइम्स में आपका चला गया है, ठीक है, 98, ठीक है ना, 47 98 हो, 40 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करें तो 98 होता है, तो यहाँ से 2 बचा
और फिर बस 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 14 6, इतना ही आपको 3 डिजिट तक लेना है केवल, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट निकालना है ना, तो इतने ही के करस्पॉन्डिंग आपका वैल्यू आ गया डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ से डेल वाई हमें क्या मिल गया, माइनस के 0.071, ठीक है ना, ए वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर ए वैल्यू आ गया डेल वाई का, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, √48 का वैल्यू क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई, तो इसका वैल्यू, वाई का वैल्यू 7 है, डेल वाई का वैल्यू है माइनस के 0.071, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपको सिखाया है, इसको 0.071 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 9 में से 7 2 आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्लियर। तो ए आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो √48 का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 6.929, ठीक है ना, ये तो इसका वैल्यू आया, किसका, इसका, हमें तो किसका फाइंड करना है, इसका, तो ए किसके बराबर, इसके, मतलब अभी 10 से क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 0.692 और हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ए वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका वैल्यू हमने फाइंड किया, क्या है, 0.6929, ठीक है, इसका वैल्यू ए आ गया, क्लियर हुआ सारे बच्चों को, किस तरीके से करना है, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाँ तो देख लिया है ना, ट्राई, देखो आपको भी ट्राई करना है, ठीक है ना, जब भी वीडियोस को देखें तो एक एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से ना देखें, ठीक है ना, मतलब पर्पस आपका सीखना होना चाहिए, ठीक है। तो कॉफी पेन नोटबुक लेके बैठे, ठीक है, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो नोटबुक लेके बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जरूरी है, और अगर आप मुझसे पहले क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो खुद से करें, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सीपीपी के सब क्वेश्चन कर लिए तो। अब क्या होता है, कई बच्चे मान लीजिए सीपीपी किसी कोई भी टीचर का अलग अलग पैटर्न के होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने देखा है कि अगर 1 आवर का कोई सीपीपी सेशन है तो कई बच्चे उसको 20 मिनट्स में ही कवर कर लेते हैं, कैसे, अरे जो भी क्वेश्चन है उनने खुद से सॉल्व किया, तो अब वो उसका सॉल्यूशन थोड़ी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं ना। इसी तरीके से आप भी अगर सीपीपी सेशन देख रहे हैं या डीपीपी सेशन देख रहे हैं किसी के भी, तो नोटबुक लेके बैठे, ठीक है ना, उसको खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया अच्छा ना, तो सॉल्यूशन तो आप डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से करेंगे तो आपका जल्दी ही आपके कई लेक्चर कवर अप हो जाएंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 80 की पावर 1/4। तो फंक्शन सबसे पहले हमारा किस टाइप का है, फंक्शन हमारा एक्स की पावर 1/4 टाइप का, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब बताइए ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 80 के समथिंग अगर हम ले, बिल्कुल नज़दीक ले, तो हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ऐसा कौन सा वैल्यू है, ऐसा वैल्यू है हमारा 81। तो यहाँ से x प्लस डेल x तो हमारे पास क्या है 18, तो यहाँ से 18 1 और डेल x इज इक्वल टू 80, तो डेल x का वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है, माइनस के 1 आया, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू या y का, इसी को y मानते हैं, y का वैल्यू क्या जाएगा, 81 का पावर 1/4, तो 3 का पावर 4 की पावर 1/4 कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू आ गया 3, ओके। अब हमें डेल वाई निकाला, और डेल वाई आ गया तो वाई प्लस डेल वाई हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, इसका एक्स की पावर 1/4 का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा, तो यहाँ से 1/4 एक्स की पावर माइनस के 3/4 इज इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर 1/4 का क्यूब होगा, क्लियर, ठीक है ना, क्योंकि नीचे जाएगा ना, तो 3/4 प्लस का होगा, तो उसको 1/4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/4 एक्स की पावर 1/4 का वैल्यू अभी यार हमने निकाला था 3 था, तो 3 का पावर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ओके, ये हो गया। और अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेल वाई, तो डेल वाई यहाँ से क्या जाएगा, 1/4 × 27 × डेल एक्स, डेल एक्स का मान क्या है, माइनस के 1,
ओके अभी किया था ना हमने, फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है ना, इसी को अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डेल वाई का वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगा, माइनस के वन अपॉन ए, आपका ए 28 आएगा, टू कैरी जाएगा, ठीक है, और टू कैरी ए आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक, हाँ 1, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें, लेकिन हमें तो कैसा निकालना है, डेसिमल में निकालेंगे तो 108 को, सॉरी 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 108 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, ठीक है ना, क्या मिलता है चेक कराते हैं। तो यहाँ पर आपका डेसिमल लगेगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और अगर बात करें तो आपका अगेन फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है, 3 टाइम्स तक निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो अगर बात करें आपका 9 टाइम्स में दे के देखें कितने टाइम्स जाता है, 9 बार में दें तो आपका 72 और 9, ठीक है, 9 टाइम में जाएगा, तो 9 टाइम में आपका जाएगा तो ए आएगा, ठीक है, यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से आपका 9 में से 2 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर सब कैंसिल, ठीक है ना, तो ए आ गया। तो अगर बात करें इसका 2 टाइम्स में तो आपका कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना, तो ए वैल्यू आ गया आपका। तो क्या आ गया आपका, इसका डेल वाई का वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं, डेल वाई का वैल्यू आया माइनस के 0.0092, ठीक है ना, ए वैल्यू आ गया, तो डेल वाई आ गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई, तो वाई का वैल्यू 3 माइनस के 0.0092, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 3.0000, तो 0.0092 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 10 कैरी जाएगा ना, तो 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 9 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा इसका आ गया, क्या आ गया, 2.9908, क्लियर, समझ में आया किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। तो a 18 की पावर 1/4 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकते थे, जितने भी टाइप हो सकते थे, सारे टाइप आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, सारा थ्योरी पोर्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन जेपीपी में पूछा गया होगा, ठीक है ना, वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं जेई में, ठीक है ना, लेकिन पूछा गया होगा तो हम एक जेपीपी सेशन भी आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन, केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।